जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल शॉर्ट हैंड रिसर्च सेंटर में। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा, चूँकि वीडियो आज काफ़ी महीनों के बाद, यानी कि नियर अबाउट 2-2.5 महीने के बाद ही आप आ रही है। और समस्या क्या हुई थी, प्रॉब्लम क्या था, मैंने अपने कम्युनिटी टैब में आपको उससे अवगत करा दिया था। तो चलिए, समस्याएँ तो आती जाती रहेंगी, खैर वीडियो आना बंद ना हो इसका पूरा प्रयास किया जाएगा। तो चलिए, उसी कड़ी में आज हम अगला अध्याय पढ़ेंगे, रा आंकड़ा। ठीक है, आज हम रा आंकड़े का प्रयोग पढ़ेंगे। रा आंकड़े का प्रयोग में देखिए, अभी तक आपने त का आंकड़ा और ना का आंकड़ा पढ़ा है। लास्ट में आपने ना का आंकड़ा पढ़ा लास्ट में, कि हम एक हुक की तरह उसमें बनाते हैं तो ना का आंकड़ा पढ़ा जाता है, तो क्लॉकवाइज। तो उसी तरह से क्लॉकवाइज ही किसी भी व्यंजन में, जिस तरह सरल व्यंजन के अंत में क्लॉकवाइज आंकड़ा लगाने से हम न का आंकड़ा पढ़ते थे, उसी तरह सरल व्यंजन के शुरू में क्लॉकवाइज आंकड़ा लगाने से हम उसे र का आंकड़ा पढ़ेंगे। यह आंकड़ा जिस भी व्यंजन में लगता है, पहले व्यंजन पढ़ा जाता है और उसके बाद फिर आंकड़ा पढ़ा जाता है, यानी कि र व्यंजन पढ़ा जाएगा। ठीक है, और इसका उच्चारण हम प्र, प्री, क्र, क्री, जैसे किसी भी व्यंजन में जब प में लगाएंगे तो प्र और प्री पढ़ेंगे, क में लगाएंगे तो क्र क्री पढ़ेंगे, त में लगाएंगे त्र त्री पढ़ेंगे, इसी प्रकार से आगे भी। ठीक है, तो उच्चारण क्या क्या होगा वो देख लेते हैं। तो जैसे देखिए, एक होता है लटकन र। ठीक, लटकन र ये किस तरह से होता है, जैसे हम प में लगाएंगे तो इस प्रकार से पढ़ेंगे, इसको लटकन र कहते हैं। ठीक है, नीचे की तरफ इस तरह से, इसी तरह से क में भी लगता है, क्र पढ़ते हैं, इसको प्र पढ़ते हैं। ठीक, एक होता है रेफारा। रेफारा किसको कहते हैं, जैसे ऊपर की तरफ र आता है इस प्रकार से, है ना, इसको भी र पढ़ते हैं। ठीक है, और एक होता है री वाला, री की मात्रा जो लगती है। ठीक है, जैसे प में लगाएंगे तो इस प्रकार से पढ़ेंगे प्री, और क में लगाएंगे तो इस प्रकार से क्री पढ़ेंगे। ठीक है, तो इनमें हम जैसे इन इन शब्दों का यूज़ जब हम करेंगे तो हम उसको र के आंकड़े से यूज़ करेंगे। ठीक है, तो कैसे प्रयोग करेंगे आप देख लें। जैसे पहला है प में, तो प में प्र के लिए इस प्रकार से प्र पढ़ेंगे और इसी को प्री पढ़ेंगे, क्या हो जाएगा, प्र और प्री, इसी को पढ़ेंगे। क में देख लेते हैं, तो क में इस प्रकार से लगाएंगे, ये सारी क्लॉकवाइज ही चलेंगे। ठीक है, शुरू में किसी भी व्यंजन में लगता शुरू में है, लेकिन पढ़ा व्यंजन के बाद में, जिस भी व्यंजन में लगेगा उस व्यंजन के बाद में पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो पहले देखिए यहाँ पे प्र, हम किस तरह से पहले प का उच्चारण कर रहे हैं उसके बाद रेफर। ठीक, प का उच्चारण कर रहे हैं उसके बाद री वाला, र का उच्चारण कर रहे हैं तो प और र बाद में आ रहा है ना, तो इस प्रकार से प्र हो गया, प्री हो गया, क में क्र हो गया, क्री। ठीक, इसी प्रकार से त में अगर हम यूज़ करें तो त, ये बायां हो गया और ये दायां त हो गया, तो इस प्रकार से इसको हम त्र या त्रि पढ़ेंगे। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर हम स में यूज़ करेंगे तो इस प्रकार से बायां सा और इस प्रकार से दायां सा, तो इसको हम स्र श्री इस प्रकार से पढ़ेंगे ना। इसी प्रकार से हम कोई भी वक्र व्यंजन, ये सारे वक्र व्यंजन है, ये सरल व्यंजन है। न में देखिए, न में अंदर की तरफ, यहाँ पे देखिए जब वक्र व्यंजन होगा तो उसमें क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक या क्लॉकवाइज है उसका ध्यान नहीं दिया जाएगा। ठीक है, वो अंदर हमेशा अंदर की तरफ ही बनेगा, पहले व्यंजन फिर का उच्चारण होगा फिर आंकड़े का उच्चारण होगा। न में इस प्रकार से बनाएंगे अंदर की तरफ तो नृ या नृ इस प्रकार से पढ़ेंगे, माँ में लगाएंगे तो इस प्रकार से अंदर की तरफ तो मृ पढ़ेंगे या मृ पढ़ेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं किसी भी व्यंजन में। ठीक है, अब देख लीजिए कि किस व्यंजन में हमको ये नहीं यूज करना है। जैसे र व्यंजन, ये ऊपर जाने वाला र व्यंजन। ठीक है, ल व्यंजन। ठीक है, व व्यंजन, य व्यंजन और ह व्यंजन, इन सारे व्यंजन में हम र आंकड़े का यूज़ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, अगर हम ऊपर जाने वाले
र में अगर हम र का आंकड़ा लगाते हैं तो किस प्रकार से लगेगा, इस प्रकार से। तो देखिए यहाँ पे ये कन्फ्यूज़न हो जाएगी कि ये र में र का आंकड़ा लगा हुआ है या यह है, एक ही तरह होता है ना। तो इस प्रकार से इसमें भी हम र आंकड़े का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। फिर ल व्यंजन में क्यों नहीं यूज़ करेंगे, अगर ल व्यंजन में यूज़ करेंगे तो इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। आप आगे आने वाले कुछ अध्याय के बाद आप एक नियम पढ़ेंगे जिसमें हम इस प्रकार से आंकड़ा लगा करके हम व यूज़ करते हैं ल में, ठीक है। तो इसको हम व और ल पढ़ देंगे, इसलिए इसको भी इसमें नहीं यूज़ करते, ल व्यंजन में भी नहीं यूज़ होगा। व में चूँकि यहाँ पे पहले शुरुआत में ही एक हुक व में लगा हुआ है, इसलिए इसमें हम र का आंकड़ा नहीं लगा सकते। यही नियम इसमें भी है, यह में भी हुक लगा हुआ है पहले से, ठीक है। ये वाला जो कन्फ्यूज़न बता रहे थे, इसलिए ह में भी नहीं, सॉरी यह में भी नहीं। और ह में क्यों नहीं यूज़ करेंगे, चूँकि यहाँ पे एक सर्कल पहले से दिया हुआ है तो हम शुरू में कैसे लगाएंगे, इसलिए इनमें हम नहीं यूज़ करेंगे व या ह और ल र में, ठीक है। अब देखिए आगे आने वाले व्यंजन में हम इसको कैसे मात्राओं के साथ यूज़ करेंगे उसको देख लेते हैं। अब मात्रा लगाने के नियम से इसको पढ़ेंगे कि यदि व्यंजन और आंकड़े के बीच कोई ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर मतलब जानते होंगे आप छोटा स्वर, जैसे ई उ ए आए, तो भी हम बिना स्वर लगाए र का आंकड़ा यूज़ करते हुए शब्दों को लिख सकते हैं। बट उच्चारण छोटे स्वर या वाक्यांशों और मुहावरों को समझते हुए प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, इसमें घबराने की कोई बात नहीं, आप जैसे जैसे हम उदाहरण के साथ इसको समझाते जाएंगे आपको समझ में आसानी से आता जाएगा, ठीक है। देखिए ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर का मतलब यानी कि व्यंजन, कोई भी व्यंजन में शुरू में ही लगता है र का आंकड़ा, ठीक। पहले व्यंजन पढ़ते हैं फिर हम र के आंकड़े का यूज़ करते हैं, जैसे प और र इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, पहले प और र लिखे, अभी आपने पढ़ा प इस प्रकार से या प्र इस प्रकार से, हम जब लिखेंगे तभी हम र का र व्यंजन का सॉरी र आंकड़े का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर प और र के बीच में कोई भी छोटा स्वर आता है, ह्रस्व स्वर, तो हम कैसे इसको र आंकड़े के साथ में प्रयोग करेंगे उसको समझना है। तो जैसे लिखा है पिर, ठीक, पिर लिखा है, तो पहले हम प व्यंजन का यूज किए, उसके बाद प ई, पहले प व्यंजन प्लस छोटी की मात्रा फिर र, इस प्रकार से ना। तो बीच में क्या आया, छोटी का मात्रा आ गया, है ना। तो अगर इस प्रकार से कोई भी व्यंजन और र आंकड़े के बीच में कोई भी ह्रस्व स्वर आता है, अ ई या उ में से कोई भी, तो हम र का आंकड़ा यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन वहां पे स्वर का प्रयोग नहीं करेंगे, स्वर नहीं लगाएंगे, उसको केवल वाक्यांशों और मुहावरों के साथ ही समझ लेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, फिर एक शब्द है, तो इसको कैसे लिखा गया है, इसको विच्छेद करेंगे तो फ पहले लिखे फिर छोटी की मात्रा इस प्रकार से आई, ठीक, इस प्रकार से उच्चारण आई, फिर र, इस प्रकार से ही इसको मिलाएंगे तब फ फिर ई तब र, इस प्रकार से बना है, ठीक है। इसको लिखने के लिए हम पूरा इस प्रकार से यूज़ करेंगे, ठीक है। यानी कि ह्रस्व स्वर अ ई उ, दो व्यंजन कौन कौन से, एक तो व्यंजन हो गया, दूसरा र का आंकड़ा, इन दोनों के बीच में अगर ह्रस्व स्वर आया है इस प्रकार से तो हम र का आंकड़े का यूज़ करेंगे, लेकिन वहाँ पे स्वर का यूज़ लिखते समय नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखिए, कानपुर हो गया, अब इसको कैसे लिखेंगे, क न प और र का आंकड़ा, कान पर, यहाँ पर लिखा हुआ है, अब यहाँ उ की मात्रा हम नहीं लगाएंगे, ठीक है। अभी आपने पढ़ा कि ह्रस्व स्वर अगर आया है तो उसको मुहावरों या वाक्यांशों से पढ़ेंगे समझेंगे, लेकिन इसमें स्वर का यूज़ लिखते समय नहीं करेंगे, ठीक है, इसको समझेंगे केवल। जैसे
अब आपको तो इतनी हिंदी तो आनी ही चाहिए कि जैसे मैं कानपुर जा रहा हूँ, ठीक है, तो इसको आप मैं अगर इस तरह से लिखेंगे इसको, मैं कानपुर जा रहा हूँ, बीच में ये शब्द आया तो आप इसको पकड़ लेंगे, कानपुर लिखा हुआ है ना, इसको कान पार जा रहा हूँ, कानपुर जा रहा हूँ, ऐसा कुछ तो पढ़ेंगे नहीं, है ना। तो इसलिए इसको एक नियम इस तरह से दिया गया है इसमें, ठीक है। तीसरा देखिए, व्यंजन और र आंकड़े के बीच कोई दीर्घ स्वर होने पर र का आंकड़ा बनाकर र पूरा बनेगा, ठीक है, र का आंकड़ा नहीं बनाएंगे, र पूरा बनेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कबीर, कबीर हो गया, ठीक। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, क हो गया, ब हो गया और र हो गया, क बी र, इसको क्यों नहीं बनाएंगे। अगर हम अगर यहाँ पे देखिए क ब र, अगर हम यहाँ पे इस तरह से यहाँ आंकड़ा सॉरी यहाँ स्वर लगाएंगे तो क ब र ई की मात्रा बाद में पढ़ेंगे, पहले ब फिर र, यहाँ पे देखिए व्यंजन हम बाद में ही पढ़ेंगे। जैसे अगर कोई भी अकेला व्यंजन ही ले लें, प और र, प र, अगर इसमें हम परी जोड़ देते हैं तो यहाँ पे हम स्वर लगा सकते हैं, प पहले हम व्यंजन पढ़ेंगे, फिर आंकड़ा पढ़ेंगे, र फिर उसके बाद हम स्वर पढ़ेंगे, ठीक है। अगर यही स्वर पहले आ जाए, ई पर, तो हम पहले स्वर पढ़ेंगे, फिर व्यंजन पढ़ेंगे, फिर आंकड़ा पढ़ेंगे, ई पर, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे आ रही है, क बी र, ब पे ई की मात्रा यहाँ हो गई, र आ गया। अगर हम इस तरह से लिखेंगे तो क ब री, कबरी पढ़ेंगे, और यहाँ पे अगर हम लगा देते हैं तो यहाँ पे क के बाद ही ये मात्रा आ जाएगा, की ब र, कीबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे अगर दीर्घ स्वर आएगा तो हम पूरा पूरा र का आंकड़ा ना बना के पूरा पूरा व्यंजन बनाएंगे, और अगर ह्रस्व स्वर है तो उसको हम वाक्यांश या मुहावरों के साथ पढ़ेंगे। वही परेशानी यहाँ भी आती यही उच्चारण में, इसीलिए यहाँ पे स्वर का यूज नहीं किया गया है। आप वाक्यांश या मुहावरों के साथ यही तीन जो छोटे स्वर दिए हैं अ इ उ, बस इसी को आप पढ़ेंगे, और अगर बड़ा स्वर दीर्घ स्वर आया है तो आप उसको पूरा पूरा लिखेंगे, ठीक है। लेकिन किसी भी व्यंजन में यदि र सबसे बाद में आता है, अगर कोई व्यंजन ऐसा है जिसमें र सबसे बाद में आता है और उसके बाद कोई भी दीर्घ स्वर आए तो र का आंकड़े का प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। जैसे एक शब्द लेते हैं पपरा, ये आपके बुक में थोड़ा सा अपवाद के रूप में, पता नहीं कैसे किस तरह से आपको घोल मोल करके समझा दिया है, उसमें समझ में नहीं आएगा आपको, है ना। तो आप इसीलिए ये चैनल बनाया गया है जिससे आपको कोई भी चीज़ आसानी से समझाई जाए, कोई भी चीज़ आसानी से समझ में आपके आए, ठीक है। तो आप यहाँ पे समझेंगे, आपको समझ में आएगा। वहाँ पे देखिए पूरा पूरा बना दिया है, लेकिन उस नियम को तोड़ते हुए यहाँ पे मैंने ये बताया है कि यहाँ पे पूरा पूरा ना बना के र का आंकड़ा यूज किया जा सकता है अगर लास्ट में आ की मात्रा आ रही है, ठीक है। प रा, तो आप तो इसको पूरी पूरी तरह से इस तरह से र आंकड़े के साथ लिख ही सकते हैं। प हो गया, प का व्यंजन हो गया, प प और र का आंकड़ा हो गया, और आ का मात्रा सबसे लास्ट में पढ़ा ही जाता है, पपरा हो गया, ठीक। बाजरा, बाजरा, यही शब्द दिए हुए हैं बुक में, बा हो गया, ज और रा हो गया, बाजरा, ठीक। ज व्यंजन हो गया, र का आंकड़ा हो गया, बाद में स्वर पढ़ा जाता है तो स्वर भी हो गया। भुखमरी, भुखमरी, भ ख म र, तो यहाँ पे उ की मात्रा हो गई, भूख हो गया, ठीक, भूख मरी, यहाँ पे व्यंजन हो गया, भूख मरी हो गया। अब देखिए एक शब्द दिया हुआ उसमें मकड़ी, मकड़ी को इसने पूरा पूरा इसलिए बनाया है, ये इसलिए बनाया है क्योंकि देखिए र को ही काट करके ड़ा बनाया जाता है, तो अगर आप यहाँ पे आंकड़े का यूज करेंगे तो आप उसे काट नहीं पाएंगे। तो इसमें एक शब्द और जोड़ लीजिएगा जो हमने बताया है ऊपर कि र ल व य ह में पूरा पूरा लिखते हैं, आंकड़ा नहीं बन पाएगा, तो उसी तरह से आप ड़ शब्द को भी जोड़ लेंगे उसमें, कि ड़ अगर शब्द आएगा तो भी हम उसको पूरा पूरा बनाएंगे, किस तरह से, मकड़ी, ठीक, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से आपका छोटे रूप में सूक्ष्म तरीके से आप इसको समझ गए होंगे
कि किस तरह से आप इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, बुक में थोड़ा सा वृहद रूप से समझाया है, आपको समझने में भी थोड़ी सी बाधा आएगी, कठिनाई आएगी, इसको आपको सरल तरीके से जितना सरल हो सका उस तरीके से आपको बना करके समझाया गया है, और आशा करते हैं आप इसे पूरी तरह से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो इसको एक बार फिर से दोबारा देख लीजिएगा, दो तीन बार वीडियो देखेंगे रिवाइज करके, तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसी पे आधारित आगे आने वाला अभ्यास है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप इसे समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।